नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमृत महोत्सव कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के एनसीसी क्रमांक 242 के कैंडिडेट्स के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत प्लास्टिक रोको टोको अभियान चलाया गया। एनसीसी अधिकारी खिलेंद्र बिसेन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में 48 एनसीसी कैंडिडेट ने हिस्सा लिया है। यह मुहिम नगर के मध्य स्थल अम्बेडकर चौक से गोंदिया रोड पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का अभियान चलाया। इसके अंतर्गत एनसीसी कैडेट्स के द्वारा प्लास्टिक का कचरा एवं अन्य कचरा भी उठाकर सड़क को साफ किया गया। साथ ही दुकानदारों एवं ग्राहकों के जन समूह से भी निवेदन किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें, इसके स्थान पर कागज की बनी हुई थैली या कपड़े के थैले जैसा उपयोग करें। एनसीसी कैडेट्स ने दुकानदारों से डोर टू डोर जाकर प्लास्टिक रोको टोको अभियान की चर्चा की और उन्हें प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया, ताकि अपने नगर के साथ साथ देश एवं पर्यावरण को स्वस्थ एवं पवित्र रखा जा सके। आज हम प्लास्टिक के उपयोग न करने पर रोको टोको कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी में हम लोगों के साथ साथ दुकानदारों को भी यह सलाह दे रहे हैं कि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें। और यह कार्य हम कमांडिंग ऑफिसर एम रविचंद्रन सर के निर्देशानुसार एवं खिलेंद्र बिसेन एनसीसी एवं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट ग्रुप क्रमांक 242 6 एमपी इंडिपेंडेंस कंपनी बालाघाट। आज यहाँ हमारे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को रोको अभियान चलाया गया और यह कार्यक्रम 15 अगस्त के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से मनाया जा रहा है उसी के अंतर्गत किया जा रहा है, ताकि शहर के लोगों को एवं दुकानदारों को ये संदेश दिया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें और पर्यावरण एवं शहर को प्रदूषित होने से बचाएं। इस कार्यक्रम में हमारी एनसीसी कंपनी के कुल मिलाकर के 48 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया है और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे कमांडिंग ऑफिसर श्री रविचंद्रन सर के मार्गदर्शन में हो रहा है। इसमें प्राचार्य श्रीमती नीलम श्रीवास्तव मैडम एवं संपूर्ण विद्यालय परिवार का भरपूर सहयोग मिल रहा है और एनसीसी कैडेट्स भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।